हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मेडी न्यूज़। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे कुछ मेजर अपडेट के बारे में, जो कि रूसो ब्रदर ने कोरोना वायरस के चलते घर पर बैठकर मूवी देखी और उन्होंने काफी सारी मेजर अपडेट दी है, जिसमें कि एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड थे। कुछ कौन सा पार्ट भी लॉन्च हुए और कुछ एक्स्ट्रा अपडेट भी है, तो वीडियो को पूरा देखेगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल की है। तो सबसे पहले जो मेजर अपडेट आ रहा है वो है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की तरफ से। तो फाइनली आप सभी जानते हो कि एक ऐसा सीन होने वाला था जिसमें कि आयरन मैन एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में सबसे पहले खतरे में पड़ता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचा लेता है, उसी के आर्मर को यूज करके उसे रेस्क्यू कर लेता है। पर ऐसा सीन होने वाला था, पर डायरेक्टर ने ये सीन डिलीट कर दिया। अब इसके पीछे क्या स्टोरी थी, अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है। उसी के साथ हमें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हल्क बस्टर के और भी काफी सारे सीन देखने को मिल सकते थे, और ये सीन हमें मूवी में नहीं देखने को मिला। अब ऐसा क्या हुआ, अब ये भी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है। उसी के साथ आयरन मैन आर्क रिएक्टर बनाते हुए एक नया कौन सा पार्ट सामने आया है, पर ये कौन सा पार्ट रिजेक्ट कर दिया, और देन मूवी में हमें कुछ डिफरेंट स्टाइल से मशीनें देखने को मिली। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन के पास एक सबसे तेज उड़ने वाला आयरन मैन सूट होने वाला था, पर ये कौन सा पार्ट रिजेक्ट कर दिया और हमें मूवी में कुछ और तरीके से देखने को मिला। सिविल वॉर में स्कारलेट विच का एक नया कौन सा पार्ट देखने को मिला, पर ये भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें कॉस्ट्यूम उनका अच्छा नहीं था। उसी के साथ प्राइम वीडियो पे 1 मई को आने वाली है थप्पड़, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है, तो अगर आप किसी को देखनी है मूवी तो जाके देख सकता है। उसी के साथ लिटिल वूमेन भी प्राइम वीडियो पे ऑलरेडी आ चुकी है हिंदी तमिल तेलुगु में, तो जिसको देखनी है गाइस जाके देखो, मूवी अच्छी है, एमा वॉटसन है हैरी पॉटर वाली। और एक अपडेट काफी कमाल का जबरदस्त, सेबेस्टियन ने कंफर्म कर दिया डिज्नी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेगी, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी, उसका जैसा साउंड, उसका जैसा एक्शन, जैसा बिल्कुल सेम टू सेम, तो ये काफी अच्छी बात है। देन उसी के साथ रूसो ब्रदर कंफर्म कर दिए कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिटर्न होंगे, बट एक डिफरेंट मूवी के साथ, जो कि बड़ी होनी चाहिए, एवेंजर एंड गेम जैसी या फैंटास्टिक फोर जैसी, यानी कि उन्हें बेटर मूवी चाहिए अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो। थॉर 4 में एक नया लड़का कास्ट करा गया है, जो कि फैंस का कहना है कि शायद वो लोकी के बचपन का सीन कर सकता है, तो देखते हैं कि हमें थॉर 4 में क्या पता यंग अवतार देखने को मिले, थॉर और लोकी के दोनों के देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ टाकेवाटी, जो कि थॉर 4 के डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी डिले हो गई थी, मे बी शायद उनसे पूछा नहीं, तो उनका रिएक्शन कुछ अलग ही तरीके से था, व्हाट द हेल, ये क्या हो गया, मतलब उनका रिएक्शन मतलब कॉमेडी टाइप का था, और जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि उनको ये बात पता ना हो। और एक मेजर अपडेट काफी कमाल का डिफरेंट, जो कि मेरी भी समझ में नहीं आया अभी तक, डायरेक्टर रूसो ब्रदर ने ये बोला है कि सोल स्टोन कैप्टन अमेरिका था ऑलमोस्ट मूवी में। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, जैसी मुझे ये चीज क्लियर हो जाएगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसी के साथ डायरेक्टर ने एक और चीज अपडेट दिया कि उन्होंने हमेशा से पहले डिसाइड करा था कि एवेंजर्स एंड गेम वो हॉकाई से स्टार्ट करेंगे बिना किसी इंट्रोडक्शन के। तो आपने नोटिस करा होगा ये मेजर चीज कि डायरेक्ट हमें सिर्फ हॉकाई देखने को मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। देन उसी के साथ एक और काफी कमाल का अपडेट, क्रिस हेम्सवर्थ ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपने छोटे भाई लिम हेम्सवर्थ के साथ एक नई अपकमिंग मूवी में काम करेंगे, चाहो तो वो थॉर हो सकती है चौथा पार्ट, पर कुछ कह नहीं सकते अभी। उसी के साथ शांग-ची की शूटिंग चल रही है कोरोना वायरस के चलते भी, क्योंकि अब वुहान सिटी में वायरस खत्म हो चुका है, चाइना में ऑलमोस्ट 70,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, तो गाइज ये गुड न्यूज है। देन उसी के साथ मार्क रफेलो से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आया रूसो ब्रदर की तरफ से कि इन्फिनिटी वॉर में उनने जब टाइम जंप करा था एवेंजर एंड गेम में, तो वो अलग कैसे हुआ, तो उन्होंने अपना दिमाग और बॉडी को अलग कर दिया था और हल्क की बॉडी को और ब्रूस बैनर की बॉडी को ज्वाइन कर दिया था। और आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है, ग्रीन लैंटर्न की जो टीवी सीरीज आ रही है उन्हें फाइनली प्रोड्यूसर मिल चुके हैं और काम धीरे स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ एक मेजर अपडेट आया थॉर से रिलेटेड, तो फाइनली थॉर ग्रूट की भाषा जानता था ऑलरेडी, ये जेम्स गन ने कन्फर्म करा, और देन रूसो ब्रदर ने भी, और उन्होंने बताया कि थॉर बचपन में जब पढ़ता था तो उसे ऑप्शनल में ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने को मिली थी, बहुत ही कमाल का अपडेट है। उसी के साथ राइज ऑफ स्काईवॉल्कर डिज्नी प्लस पर 4 मई को आने वाली है, हिंदी में कंफर्म हो चुकी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक वीडियो पेज को लाइक करें, रियली में आपको वीडियो पसंद आ तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो या तो उस पर कैप्टन अमेरिका के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूं।